गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों, रोज की तरह आज भी आपका स्वागत है इस आपके शो के अंदर जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो, लेकिन एक नए अंदाज के साथ, एक नए कलेवर के साथ, एक नए डिजाइन के साथ, जहां पर हम आपके समय को और बचाएंगे और खबरों को इस तरीके से कराएंगे जहां पर आपको आपकी भाषा में और करंट अफेयर्स द वेकअप शो जो है बहुत आसान शब्दों में समझ भी आ जाएगा। तो आज का जो ये स्टाइल है, ये जो अंदाज है, बताइएगा जरूर कि कैसा लगा है। लेकिन आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। और हिंदी दर्शक जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर हिंदी का न्यूज भी साथ में हो, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि यहां पर हेडलाइंस के अंदर हिंदी को भी दिया गया है और हेडलाइंस को कुछ नए अंदाज के साथ हम आज पेश करेंगे। तो आपके समय की बचत के लिए कि शो जो है वो 40-45 मिनट्स के अंदर हम सारा कुछ कर लें, ज्यादा से ज्यादा खबरें भी करें, क्विज को भी अटेंड करें और उन खबरों को गहराई से समझे भी कि आने वाले एग्जाम के अंदर हमें बहुत बहुत फायदा हो। तो यहां पर मेरे बहुत सारे दोस्त, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स सभी जुड़ चुके हैं। तो मैं सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स द वेकअप शो के अंदर विद कुमार संभव के साथ। दिन शनिवार, सैटरडे जो है बहुत ही खूबसूरत दिन आज का, और यहां पर हम शुरुआत करेंगे बहुत जल्द। समय को जाया ना करते हुए हम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। तो आज खबरों का स्टाइल किस तरह से है, तो पहले भारत की खबरें, नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबरों की तरफ बढ़ेंगे और इसी तरह से सेगमेंट के साथ, आसान शब्दों में, पिक्चर्स के साथ आज हम खबरों को करेंगे और कीवर्ड्स जानने की कोशिश करेंगे कि उन खबरों से कीवर्ड्स क्या निकलते हैं और आपको क्या क्या याद चीजें रखनी है। तो यहां पर मैं सभी व्यूअर्स को देखते हुए और उनके रिमार्क्स को लेते हुए, उनके सजेशंस को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों को जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बिल्कुल, तो यहां पर बहुत बढ़िया, आज आशीष गुप्ता जी और नायरा कपूर, पालक बांसल और जितने भी मेरे व्यूअर्स जुड़े हैं, जो हमेशा जुड़ते हैं मेरे साथ और जो भी नए दर्शक हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बढ़ चलते हैं अपनी खबर की तरफ, करंट अफेयर्स द वेकअप शो 24 मार्च 2018। तो पिछले दिनों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को आज हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से जानेंगे खबरों को, नेशनल न्यूज भारत की ताजा खबरें, नेशनल न्यूज भारत की ताजा खबरें। तो बढ़ चलते हैं अपनी खबरों की तरफ, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, फोकस करिएगा यहां पर क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं और क्विज भी बहुत सारे हैं और हमें अटेंड करना है, अटेंटिव होके और बहुत ध्यान से, अलर्ट होके हमें सारी खबरों को सुनना भी है। तो यहां पर चलते हैं पहली खबर की तरफ। देखिए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। मोदी केयर भी बोलते हैं आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, ABNHPM इसको बोला जाता है, मोदी केयर भी बोला जाता है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन लॉन्च करने की स्वीकृति दे दी है। तो यूनियन बजट के अंदर आयुष्मान भारत स्कीम की घोषणा की गई थी जिसको भारत सरकार ने, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान मिशन के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ कवर दिया गया है। तो आपको पता है, जैसा हम लोगों ने अपने पिछले एपिसोड्स में भी बात किया था आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जहां पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा। और अपने काइंड का ये बहुत बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसको मोदी केयर नाम भी बोला गया और पश्चिम बंगाल पहला राज्य बना है जिसने मोदी केयर को, आयुष्मान भारत स्कीम को अपनाने से मना कर दिया क्योंकि उनके राज्य में ऑलरेडी इसी काइंड की स्कीम चल रही है। तो यहां पर केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इसके कुछ कीवर्ड्स को जानते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन कौन से बिंदुओं को याद रखना है। तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हैविंग सेंटर सेक्टर कॉम्पोनेंट अंडर आयुष्मान भारत मिशन एंकर्ड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, और मंत्रालय है परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके अंदर आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो काम करेगा। द स्कीम हैज द बेनिफिट कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो प्रति परिवार उनके सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए का जो एक कवर दिया जाएगा वो इंश्योरेंस कवर मिलेगा यहां पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ेंगे। देखिए,
इसी तरह से आज खबरें करेंगे जहां पर बहुत ही आसान शब्दों के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको खबरें कराई जाएंगी। तो जल्दी जल्दी आज के इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए कि मोर देन 200 जाना चाहिए आज कि आपके जरूरतों को पूरा करते हुए मेक माई एग्जाम कुमार संभव करंट अफेयर्स द वेकअप शो इतनी ज्यादा तल्लीनता से आपके सजेशन और सुझाव को सुनता है कि हर दिन कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास हम करते हैं। तो दूसरी खबर राष्ट्रीय की खबर नेशनल न्यूज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव डिस्कवर्ड इन मेघालय द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव नेम्ड क्रेमपुरी हैज बीन डिस्कवर्ड इन मेघालय। तो यहां पर इसको हिंदी में पढ़ देता हूं मेघालय में बलुआ पत्थर की दुनिया की सबसे लंबी गुफा का पता चला है। दुनिया की सबसे लंबी गुफा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर वो कहां पर मेघालय में। तो मेघालय में बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन पत्थर की दुनिया की सबसे लंबी गुफा का पता चला है। इस गुफा की लंबाई 24,583 मीटर लगभग 24.5 किलोमीटर है। इस गुफा की खोज करने वाली संस्था मेघालय एडवेंचर एसोसिएशन ने इस गुफा का नाम करेमपुरी दिया है। इस गुफा का नाम क्या पड़ा है करेमपुरी मेघालय। तो इन दो कीवर्ड्स को जरूर याद रखिएगा। इसको थोड़ा डिटेल में बोलते हैं करेमपुरी वॉज डिस्कवर्ड इन 2016 हाउ एवर इट्स एक्चुअल लेंथ वॉज फाउंड बिटवीन 5 फरवरी एंड 1 मार्च। तो 5 फरवरी से 1 मार्च के बीच में इसके एक्चुअल लेंथ का पता चला है कि ये ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर लंबा केव है जिसका नाम है करेमपुरी जो मेघालय में है। इट वॉज मेजर्ड बाय द मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन जिसका नाम है मा एम ए ए मा। इट इज 24,583 मीटर्स लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर्स लंबा और दुनिया का सबसे लंबा केव जो है वो बनने की दिशा में है ये। दिस केव इज ओवर 6,000 मीटर्स लॉन्गर देन द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कुएवा देल समान अट सैंडस्टोन केव इन एडो जूलिया वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में इससे पहले जो एक विश्व रिकॉर्ड था उस केव का नाम क्योवा देल समान था और जिसकी लंबाई से 6,000 मीटर लंबा है हमारा ये करेमपुरी वाला केव जो मेघालय के अंदर है। द लॉन्गेस्ट इंडिया केव इज द करेमपुरी लियात प्रहा उमीम लबीत सिस्टम इन द जेनेटिया हिल्स इन मेघालय इन जनरल कैटेगरी। तो यहां पर ये जो करेमपुरी है ये केव दुनिया का सबसे लंबी गुफा का रिकॉर्ड बन गया है 24 किलोमीटर लंबा। तो मेघालय के क्विक फैक्ट्स के बारे में जल्दी जल्दी बताइए और हम अगली खबर की तरफ भी जरूर बढ़ेंगे। देखिए सम इंपॉर्टेंट लेक्स देखिए कुछ करंट अफेयर्स के साथ स्टेटिक जीके का भी पोर्शन साथ साथ में जरूर चलना चाहिए। तो यहां पर सम इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया भारत की झीलों के बारे में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एंड इंडिया। एशिया और भारत के अंदर सबसे साफ जल वाला लेक कौन सा है वुलर लेक कश्मीर। वुलर लेक कश्मीर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एंड इंडिया। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक मतलब मानव निर्मित लेक। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक मानव निर्मित लेक इन एशिया अपर लेक मध्य प्रदेश। एशिया के अंदर भारत नहीं वरन एशिया के अंदर आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है तो लेक मध्य प्रदेश के अंदर है अपर लेक। देन लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया तो सलाइन का मतलब नमक वाला मतलब हम कह सकते हैं नमकीन और जिसे हम कहते हैं चिल्का लेक ओडिशा जो है लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया। तो साफ पानी का लेक कहां पर है वुलर लेक सबसे बड़ा लेक और आर्टिफिशियल लेक अपर लेक मध्य प्रदेश और लार्जेस्ट सलाइन मतलब नमकीन जो लेक है वो कहां पे है चिल्का लेक। तो जरूर और मेघालय के क्विक फैक्ट्स के बारे में बताइए मेघालय की कैपिटल मेघालय के सीएम गवर्नर का नाम जरूर आप यहां पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मैं आपके नाम भी देखूंगा कि किन्होंने इसका सही उत्तर दिया। लेकिन कुछ एपिसोड पहले मेघालय के न्यू सीएम की अनाउंसमेंट हुई थी तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका सही उत्तर जरूर देंगे। आपके कमेंट्स की तरफ भी बढ़ेंगे लेकिन एक अगली न्यूज के बाद ऑन 21 मार्च 2018 द जैक फ्रूट वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल फ्रूट ऑफ केरला। देखिए केरला भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य और केरला राज्य ने जैक फ्रूट को जिसकी तस्वीर भी आपके सामने दिख रही है और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं कटहल बोलते हैं कटहल की सब्जी को उन्होंने अपना नेशनल और ऑफिशियल मतलब स्टेट फ्रूट जो है वो डिक्लेयर किया है। तो केरल सरकार ने कटहल को अपना आधिकारिक फल घोषित किया। कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने राज्य विधानसभा में इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देश भर में और विदेशों के बाजारों में केरल के कटहल को एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देकर
इसके जैविक और पौष्टिक गुणों को प्रदर्शित करना है। तो इसके जैविक गुण और पौष्टिक गुण कारण बने हैं, जिसमें केरला के मंत्रियों ने यह घोषणा करी, केरला सरकार ने यह घोषणा करी कि केरला का जो एक राज्य फल होगा, स्टेट फ्रूट होगा, वो क्या होगा, जैक फ्रूट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कटहल बोलते हैं। और आगे जरूर जानेंगे इसके बारे में। जैक फ्रूट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन दिस रिगार्ड वॉज मेड बाय केरला एग्रीकल्चर मिनिस्टर वी एस सुनील कुमार इन द केरला स्टेट असेंबली, केरला विधानसभा में इसकी घोषणा की गई है। दिस डिसीजन वॉज टेकन बेस्ड ऑन अ प्रपोजल मेड बाय द केरला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग ने इसकी ऑफिशियल घोषणा करी। दिस हैज बीन डन इन अ मूव टू प्रमोट द केरला जैक फ्रूट एज अ ब्रांड इन मार्केट्स ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, विदेशों में और भारत में केरला के जैक फ्रूट को पहुंचाना और इसकी उपयोगिता को पहुंचाना, ये उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव है केरला सरकार का। द एग्रीकल्चर ऑफिस इन अंबा वलवी इन वेनाड इज टू बी यूज फॉर जैकफ्रूट रिसर्च, और जैकफ्रूट के ऊपर शोध करने के लिए वेनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रिसर्च सेंटर भी खोला जाएगा। स्टेट एनिमल ऑफ केरला इज एलिफेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रेलवे एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि केरला का स्टेट एनिमल क्या है, एलिफेंट। द स्टेट बर्ड ऑफ केरला इज ग्रेट हॉर्नबिल, द स्टेट फ्लावर ऑफ केरला इज कनी कोना। देखिए यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू केरला, तो आगे के न्यूज पे जरूर बढ़ेंगे, आगे की खबर पे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन व्यूअर्स के व्यूज बहुत आ रहे हैं, तो व्यूअर्स के व्यूज देखते हुए और उनकी क्वारी को लेते हुए, उनके सजेशन को लेते हुए अगली खबर की तरफ फटाफट बढ़ेंगे। और बिल्कुल यहां पर बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट यहां पर मेघालय अश्विन जी बिल्कुल सही, और मोहम्मद शफी डार आपका भी उत्तर बहुत सही, पन्ना लाल रोमन सिंह बहुत बढ़िया यहां पर सभी का उत्तर। और मेघालय के सीएम का नाम एग्जैक्टली कॉनराड संगमा, मेघालय के गवर्नर का नाम, राज्यपाल का नाम गंगा प्रसाद, मेघालय के कैपिटल इज शिलोंग, बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर। और मैं सभी के कमेंट्स जो है वो आपके देखने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत बढ़िया यहां पर सभी स्टूडेंट्स का बहुत बढ़िया उत्तर। संजू मीना जी आपके लिए लेकर आया हूं, स्पेशली जो बार बार आप हिंदी 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 कहते रहते हैं, तो आपकी सहायता के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी भाषी उनकी सहायता के लिए, और तमाम जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं चाहे वो इंग्लिश के हो या किसी भी क्षेत्रीय भाषा से बिलोंग करते हो, उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देने की कोशिश करी है कि ये न्यूज जो है आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाए। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, और अगली खबर है सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला, केरला के अंदर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिमनॉय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, और यहां पर डेफिनेटली टेक्निकल टीम की तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, कि और भी स्टूडेंट्स जो है इस परिवार का हिस्सा बन सके, और ये परिवार जो है मेक माई एग्जाम का और करंट फेस द वेकअप शो का ये और भी बड़ा हो जाए, और भी बृहद और भी एक्सटेंसिव हो जाए। तो प्लीज इसको बहुत ज्यादा शेयर करिए, जैसा आप रोज करते हैं उसको आपने करना है। तो अगली खबर जो है बिराक, BIRAC सेलिब्रेट्स इट्स सिक्स्थ फाउंडेशन डे ऑन 20th March 2018। तो बिराक का फुल फॉर्म क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बिराक celebrated its sixth foundation day in New Delhi. तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि recently किस institute ने या किस council ने अपना foundation day मनाया है, तो वो बिराक ने बनाया, बिराक का full form पूछ सकते हैं, और बिराक का ये foundation day कहां celebrate किया गया, तो New Delhi में किया गया। तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने अपना छठा स्थापना दिवस मनाया, इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। तो देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन के पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, जिसमें से केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन जितने डिपार्टमेंट उनके पास हैं, जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, किनका, तो सिक्स्थ बिराक BIRAC का उद्घाटन किया गया, फाउंडेशन डे मनाया गया। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल करते हैं, इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। थीम क्या रखा गया इसका, सस्टेनिंग इनोवेशन अ मार्केट ड्रिवन पाथवे। तो यहां पे इनोवेशन को, नए विचारों को किस तरह से सस्टेन किया जाए, किस तरह से संभाल कर रखा जाए कि आने वाले जितने भी पाथवे, मतलब जो भी रास्ते हैं, जो भी विकल्प हैं, वही विचार जो है
आपके लिए खोलेंगे, क्योंकि साइंस और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जब तक नए विचार उत्पन्न नहीं होंगे तब तक उन क्षेत्रों का विकास जो है वो कभी भी संभव नहीं हो सकेगा। और थीम के बाद प्रिलिमिनरी विनर्स ऑफ द SOCH सॉल्यूशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ अवार्ड्स वर अनाउंस एट द इवेंट, वहां पर एक अवार्ड भी इवेंट के अंदर अनाउंस किया गया। और दिस इज एन इनोवेशन चैलेंज अवार्ड विच वॉज इनिशिएटेड एट द माई गवर्नमेंट पोर्टल इन सेप्टेंबर 2017। तो यहां पर इनोवेशन अवार्ड दिया जाता है जो सेप्टेंबर 2017 में अनाउंस किया गया। तो आगे की खबर की तरफ चलेंगे, लेकिन बिराक की कुछ क्विक फैक्ट्स के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल जो है उसका कुछ क्विक फैक्ट कर लेते हैं। इसका टाइप क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब प्रॉफिट ना कमाने वाला, लाभ ना कमाने वाला एक पब्लिक एंटरप्राइज, और सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यह डिपार्टमेंट काम करता है। और सेटअप किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आगे जरूर बढ़ेंगे बैंकिंग और फाइनेंस की खबर, बैंकिंग तथा वित्त समाचार। तो बैंकिंग तथा वित्त समाचार की तरफ जरूर बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज को। तो देखिए, स्टेट रन पावर इक्विपमेंट मेकर भेल, BHEL भेल, तो पावर इक्विपमेंट बनाता है स्टेट रन पावर इक्विपमेंट मेकर भेल, हैज एंटर्ड इनटू अ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन अग्रीमेंट TCA। TCA का मतलब फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन अग्रीमेंट, मतलब तकनीकी तौर पर कोलैबोरेट किया है एक समझौते के तहत विद HLB पावर रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो कोरिया की कंपनी है HLB पावर, उसके साथ तकनीकी साझेदारी करी है किसने? भेल ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर कि भेल ने किस कोरियाई कंपनी के साथ टाइप किया है, या भेल ने HLB कंपनी के साथ टाइप किया है वो कहां की कंपनी है। तो बिजली उपकरण बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने कोरिया की HLB पावर के साथ तकनीकी साझेदारी के लिए समझौता किया है। तो जैसा मैंने बताया कि तकनीकी साझेदारी के लिए कोरिया की कंपनी HLB के साथ समझौता किया है। कोलैबोरेशन इज फॉर इन हाउस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज साइज गेट्स एंड डैम्पर्स फॉर यूज इन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। तो जहां पर कोयले के सहायता से बिजली का उत्पादन किया जाता है वहां पर उसकी सहायता के लिए मशीनों की जरूरत जो है वो ये दोनों संस्थाएं मिलकर पूरा करेंगी। टू बी कमीशन और रेट्रोफिटेड विद हाई कैपेसिटी एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट। द TCA जो टेक्निकल कोलैबोरेशन अग्रीमेंट है वॉज साइंड बाय सुब्रता विश्वास डायरेक्टर ERD, मतलब वहां के रिसर्च और डेवलपमेंट के डायरेक्टर भेल, एंड डॉक्टर जोंग वियोन किम CEO एंड डायरेक्टर ऑफ HLB पावर एट भेल्स कॉर्पोरेट ऑफिस। तो यहां पर दोनों कंपनी के डायरेक्टर्स ने इस समझौते के ऊपर सिग्नेचर किया। तो क्विक फैक्ट्स अबाउट भेल, भेल के बारे में कुछ क्विक जानकारी जो है, तो भेल स्टैंड्स फॉर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अतुल सोपती। और एस्टैब्लिश कब हुआ था भेल? 1964 में। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत सहायता और बहुत हेल्पफुल हो सकती है, तो जरूर इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ेंगे, MCX लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। MCX का मतलब क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जहां पर कमोडिटी, जहां पर वस्तुओं का खरीद और बिक्री की जाती है। देखिए, देयर आर टू काइंड ऑफ मार्केट, वन मार्केट इज फॉर शेयर्स बिल्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स एंड वन फॉर कमोडिटी, वस्तुओं का मार्केट जहां पे वस्तुओं की खरीद और बिक्री होती है, जिसकी एक संस्था है MCX। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया has announced that it will commence future trading in brass on March 26, 2018. तो MCX ने दुनिया की पहली पीतल वायदा संविधाएं शुरू की है। तो पीतल की मार्केटिंग, पीतल को बेचना खरीदना जो है वो MCX के ऊपर संभव हो सकेगा और दुनिया का पहला ऐसा है। तो देखिए, ये जब वर्ल्ड की कुछ पहली चीज या फर्स्ट या लार्जेस्ट या हाईएस्ट ऐसे आ जाए ना, तो वो पेपर के अंदर डेफिनेटली बन के आएगा। तो MCX ने दुनिया की पहली पीतल वायदा संविधाएं शुरू की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वह मार्च 26 से पीतल का वायदा कारोबार, मतलब फ्यूचर कारोबार शुरू करेगा। यह शुरुआत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह पहली बार होगा कि पीतल मतलब ब्रास, पीतल वायदा संविधाएं का दुनिया में कहीं भी संगठित विनिमय
पर कारोबार किया जाएगा। तो दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि फ्यूचर ट्रेड जो है वो ब्रास के ऊपर किया जाता हो, पीतल के ऊपर किया जाता हो, लेकिन एमसीएक्स जो है वो दुनिया की पहली संस्था बनेगी जो इस तरह का फ्यूचर ट्रेड करेगी, और इससे मार्केट को एक नया बूस्ट मिलेगा और पीतल के कारोबार में भी बहुत बढ़ोतरी की संभावना है। तो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एमसीएक्स ब्रास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, द लॉन्च विल बी एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एज इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ ब्रास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रेडेड ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जैसा मैंने बताया कि एक मील का पत्थर साबित होगा ये एक समझौता या ये एक स्टेप, दुनिया के अंदर ऐसा पहली बार होगा जब पीतल के लिए ब्रास के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर जिसका नाम है एमसीएक्स। द लॉट साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी 1 मीट्रिक टन, और इसका साइज क्या होगा, 1 मीट्रिक टन तक का कारोबार किया जाएगा विद एक्सपायरीज इन अप्रैल मई एंड जून 2018। तो यहां से हम जानेंगे MCX के बारे में क्विक फैक्ट्स। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में क्विक फैक्ट्स जान लीजिए, एस्टैब्लिश्ड इन 2003। सबसे पहले तो MCX का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं पेपर में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। कई बारी SBI IBPS के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन MCX सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, M stands for what? तो इसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX। एस्टैब्लिश कब हुआ था, 2003 में। हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मुंबई में। और करंट CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मृगांक परांजपे। मृगांक परांजपे इज द करंट CEO ऑफ MCX। अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स के व्यूज जान लेते हैं। बहुत देर से वो कुछ ना कुछ सजेशन, क्वायरीज और कमेंट्स कर रहे हैं, तो जानते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर। बहुत बढ़िया प्रवेंद्र राठी जी, और जितने स्टूडेंट्स को आज अच्छा लग रहा है और उनको लाइक कर रहे हैं, और अगर आज का सेशन उनको पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 टेक्निकल टीम की तरफ से ये मैसेज है कि आप आज के लाइव सेशन को बहुत ज्यादा शेयर करिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हम लोगों का और हौसला बढ़ता है और हम स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी के लिए और छात्रों के लिए कुछ और नया लेकर आने की कोशिश करते हैं, जिससे अल्टीमेट फायदा, अल्टीमेट बेनिफिशियरीज कौन है, आप। और यहां पर आपको और ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए हम और कोशिशें कर सकें, तो उसके लिए हमारा हौसला बढ़ाइए और जमकर इस लाइव सेशन को शेयर करिए। और हम अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ते हैं और जानते हैं अलाहाबाद बैंक, बहुत बड़ी खबर है बैंकिंग न्यूज का, आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ी खबर है। अलाहाबाद बैंक गेट्स नॉट टू मर्ज ABFL। अलाहाबाद बैंक स्टेटेड दैट इट हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर अमलगामेशन ऑफ इट्स फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑल बैंक फाइनेंशियल लिमिटेड। ABFL का मतलब यहां पर क्या है, तो अलाहाबाद बैंक का ही एक सब्सिडरी सहायक कंपनी है उसके अंदर ही, तो उसका नाम है ABFL, दैट इज ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड विद इटसेल्फ। तो अमलगामेशन का मतलब मिला देना। तो देखिए इलाहाबाद बैंक को ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड के साथ विलय होने की मंजूरी मिल गई है, मतलब अलाहाबाद बैंक को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक अनुमति दे दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, अरुण जेटली साहब, उन्होंने अनुमति दे दिया कि अलाहाबाद बैंक अपना ही सहायक कंपनी ABFL के साथ अमलगामेट कर सकता है, उसके साथ मिलने की मंजूरी मिल गई है। तो फटाफट अलाहाबाद बैंक की क्विक डिटेल्स बता दीजिए, और अलाहाबाद बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, अलाहाबाद बैंक के MD CEO जो भी इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स हैं उनके टैगलाइंस के बारे में तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस न्यूज को थोड़ा सा और डिटेल में जानने के बाद, बैंक्स बोर्ड हैड अप्रूव्ड द प्रपोज्ड अमलगामेशन इन December 2016। तो बैंक के बोर्ड ने अमलगामेशन का एक जो प्रक्रिया है उसे 2016 में ही पूरा कर लिया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मंजूरी मिलना बाकी था। तो ऑल बैंक फाइनेंस ऑफर्स फी बेस्ड सर्विसेज लाइक डिबेंचर्स, ट्रस्टीशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो यहां पर ऑल बैंक फाइनेंशियल लिमिटेड ABFL जो कंपनी है इसका काम क्या है, तो ये पैसा लेकर सेवाएं देता है। किस तरह की सेवाएं देता है, डिबेंचर ऋण पत्र के अंदर सेवाएं देता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर सेवाएं देता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कहां कहां इन्वेस्ट करिएगा वहां उसकी सलाह देता है आपको, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप अपने एसेट्स को कहां पर मैनेज कर सकते हैं, कहां पर लगा सकते हैं उसकी सहायता देता है, और सिक्योरिटी वैल्यूएशन मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है उसका, जैसे लिक्विड एसेट्स बोल सकते हैं, शेयर्स बोल सकते हैं, बॉन्ड्स बोल सकते हैं, डिबेंचर्स बोल सकते हैं,
गोल्ड बोल सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन भी करेगा एबीएफएल। और फॉर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 एबीएफएल टोटल इनकम स्टूड एट रुपीज 13.30 करोड़ वाइल द नेट प्रॉफिट वॉज रुपीज 6.76 करोड़। तो इसका ये नेट प्रॉफिट रहा। और अलाहाबाद बैंक एबीएफएल के साथ टाइप, मतलब टाइप का मतलब अमल का मिशन जो है मिल जाएगा, एबीएफएल उसकी सहायक कंपनी है और उसको अलाहाबाद बैंक में मिला दिया जाएगा। क्विक फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल यहां पर स्टैंड। चलिए बहुत बढ़िया। और क्विक फैक्ट्स अबाउट अलाहाबाद बैंक, अलाहाबाद बैंक के बारे में कुछ क्विक जानकारी अगर जुटाएं तो फाउंडेड इन 1865, हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, कोलकाता में अलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर 1865 में ये एस्टैब्लिश हुआ। करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? उषा अनंत सुब्रमण्यम। टैगलाइन क्या है? अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। तो ये क्विक फैक्ट बहुत जरूरी हो सकते हैं आपके लिए, और इसको स्क्रीनशॉट और नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ते हैं, और अगली खबर है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सम्मान और पुरस्कार। अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये अगली कैटेगरी है, देखते हैं कुछ करंट न्यूज इससे रिलेटेड जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जरूर जनाब, 105th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस DRDO गेट्स मोस्ट इंफॉर्मेटिव पवेलियन अवार्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इंडियन साइंस कांग्रेस का 105वां एडिशन 105 सालों से ही इंडियन साइंस कांग्रेस चला रहा है, उसका 105th एडिशन जो है इंडियन साइंस कांग्रेस का कहां पर हुआ? मणिपुर की कैपिटल इंफाल में हुआ, और वहां पर एक अवार्ड दिया गया जिसमें DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक अवार्ड दिया गया, और अवार्ड क्या है? मोस्ट इंफॉर्मेटिव पवेलियन अवार्ड। तो 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को अधिकांश जानकारी पूर्ण मंडप पुरस्कार मिला। तो उन्होंने एक पवेलियन बना रखा था, अलग अलग स्टॉल्स बने थे, अलग अलग पवेलियंस, अलग अलग मंडप बने थे, और डीआरडीओ के मंडप को, डीआरडीओ के पवेलियन को अधिकांश जानकारी पूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव पवेलियन का एक अवार्ड दिया गया 105वें इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर। तो देखिए ये कांग्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभा, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ को एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द मोस्ट इंफॉर्मेटिव पवेलियन अवार्ड इन प्राइड ऑफ इंडिया एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ द 105th इंडियन साइंस कांग्रेस एट मणिपुर यूनिवर्सिटी इंफाल। जैसा मैंने बताया 105वां इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पर हुआ? तो मणिपुर की कैपिटल इंफाल में, मणिपुर यूनिवर्सिटी में। डीआरडीओ पार्टिसिपेटेड इन द एक्सपो शोकेसिंग कटिंग एज इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज विद ओवर 150 एग्जिबिट्स एंड मॉडल्स फ्रॉम 18 डीआरडीओ लेबोरेटरीज। तो यहां पर स्वदेशी तौर पर निर्मित 150 से ज्यादा प्रदर्शनी करी, और 18 लेबोरेटरीज को यहां पर उन्होंने प्रदर्शित किया। तो इंडिजीनियसली, मतलब स्वदेशी निर्मित तकनीक को यहां पर प्रदर्शित करने के कारण डीआरडीओ को यह अवार्ड दिया गया, मोस्ट इंफॉर्मेटिव पवेलियन अवार्ड। और थीम क्या रखा इसका? रीचिंग द अनरीच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 105वां इंडिया साइंस कांग्रेस का थीम क्या रखा गया? रीचिंग द अनरीच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से उन लोगों तक पहुंचना है जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहुंच नहीं है। रीचिंग द अनरीच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसके बाद क्विक फैक्ट जाने तो 106 एडिशन अगले साल ये कहां होगा? 106 एडिशन, देखिए 105वां एडिशन कहां पर हुआ? तो मणिपुर के कैपिटल इंफाल में हुआ, लेकिन 106वां एडिशन, 106 एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड इन जनवरी 2019 एट बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 106वां एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 में कहां पर होगा? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश। और थीम क्या रहेगा अगले साल का? फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी यही भविष्य है आने वाले भारत का। और चेयरमैन डीआरडीओ का नाम आया, तो डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम एस क्रिस्टोफर, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां, कुछ नियुक्तियों के बारे में कर लेते हैं और जानते हैं। जॉन बोल्टन रिप्लेसेस मैकमास्टर एज यूएस
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसे लिखिएगा कि हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। और मैं आपको यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में कहता हूं, तो जॉन बोल्टन रिप्लेसेस मैक मास्टर एज यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जॉन बोल्टन होंगे अमेरिका के नए एनएसए, कहा था एटमी हथियार वाला आतंकी देश बन रहा है पाकिस्तान। तो इनका यह बयान बहुत महत्वपूर्ण था, जहां पर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो नए बने हैं उनका बयान कि पाकिस्तान जो है एक एटमी हथियार वाला, एक परमाणु हथियार वाला आतंकी देश बन रहा है। और जॉन बोल्टन जो है वो अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड दैट द फॉर्मर यूएन एम्बेसडर जॉन बोल्टन विल बी द न्यू यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ही वुड रिप्लेस प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एच आर मैक मास्टर को वो रिप्लेस करेंगे। तो अगली खबर साइंस और टेक्नोलॉजी से है, और एग्जैक्टली यहां पर सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है बहुत सही है और बहुत बढ़िया आप यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एग्जैक्टली अजीत डोवाल इज द करंट एनएसए ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली बॉन्ड 007 बहुत ही सक्षम और बहुत ही कैपेबल और एक्सपीरियंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ऑन 22 मार्च 2018 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम पोखरण इन राजस्थान। तो आपको बताना है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है, ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है वो किन दो नदियों के नाम पर पड़ा है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑन 22 मार्च 2018 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम पोखरण इन राजस्थान। तो यहां पर टेस्ट फायर किया गया, तो भारत के ने राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये परीक्षण, और इट वॉज डेवलप्ड इन अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जैसा मैंने बताया यहां पर आपको, और ये जानकारी अब इस स्लाइड के ऊपर आ चुकी है। दिस मिसाइल हैज बीन नेम्ड आफ्टर द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑफ इंडिया एंड मोस्कवा ऑफ रशिया। तो देखिए इंडिया के रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर एग्जैक्टली, चलिए रूस की रिवर मोस्कवा और ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर, इन दोनों रिवर को मिलाकर ब्रह्मोस नाम पड़ा। इट कैन फ्लाई एट ऑलमोस्ट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड एट मैक 2.8। तो कहते हैं कि स्पीड जो है इसकी वो 3700 किलोमीटर पर आ रहा है, 3700 किलोमीटर पर आ रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, जो साउंड से, ध्वनि से मतलब कितने, 3 गुना ज्यादा तेज। तो इट कैन फ्लाई एट ऑलमोस्ट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड एट मैक 2.8। इट हैज अ रेंज ऑफ 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। और भारत दुनिया का इकलौता देश बना जिसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तीनों सेनाओं के द्वारा टेस्ट फायर किया, थल सेना और जल सेना की तरफ से। तो खैर 2006 तक में ही उसको टेस्ट फायर कर लिया गया था, थल सेना जल सेना मतलब कौन कौन से सेना, आर्मी और नेवी की तरफ से तो ऑलरेडी ये टेस्ट फायर था, लेकिन वायु सेना की तरफ से, एयर फोर्स की तरफ से, सुखोई विमान की तरफ से टेस्ट फायर करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये कहां से टेस्ट फायर किया गया है, पोखरण राजस्थान से, सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया, 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी उड़ान, और ये बहुत ज्यादा ये तेज मिसाइल, और ऐसा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर करने वाला, वो भी वायु से एयर से, भारत पहला देश बनाए। होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। अबाउट डीआरडीओ के बारे में अगर जाने तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। चेयरमैन डीआरडीओ और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड आरएनडी कौन है, डॉक्टर एस क्रिस्टोफर जो है वो चेयरमैन है डीआरडीओ के। और आगे जरूर बढ़ेंगे खेल समाचार की तरफ, स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ, और स्पोर्ट्स न्यूज को जरूर देखेंगे। इंडियन शूटर इला वेनिल वलाविरम शैटर्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड क्लेम द गोल्ड मेडल इन 10 meter वुमेन्स एयर राइफल इवेंट ऑफ द सीजन फर्स्ट जूनियर ISSF वर्ल्ड कप। तो सिडनी के अंदर जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है ISSF का, जहां पर गोल्ड मेडल जीता है इंडियन शूटर, और इंडियन शूटर का नाम क्या है, तो भारतीय निशानेबाज इला वेनिल वलारिवन ने सत्र के पहले जूनियर ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 meter एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर
क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड बनाया. तो देखिए स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता और विश्व रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने. और इनका नाम क्या है? इला नेविल वलारिवन. तो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर सा नाम है, लेकिन स्टिल शी इज वेरी इंपॉर्टेंट एथलीट. और देखिए अभी सीनियर वर्ल्ड कप हुआ था शूटिंग का, उसमें भी इंडिया ने मेडल टैली को टॉप किया था. मैक्सिको में वो हुआ था, ग्वादलाजारा मैक्सिको में वो कॉम्पिटिशन हुआ, इंडिया ने मेडल टैली को टॉप किया. और यहां पर जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है शूटिंग का ISSF के द्वारा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां पर इला वेनिल वलावरिवन ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर. और यहां पर देखिए आल्सो इला वेनिल वलारिवन अलोंग विद श्रेया अग्रवाल एंड जीना खिता वन द टीम गोल्ड मेडल. और इला वेनिल के साथ श्रेया अग्रवाल और जीना खिता ने टीम गोल्ड मेडल भी जीता. और उनका स्कोर देख लीजिए आप इतना है. अर्जुन बबूटा वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन मेन्स 10 मीटर. विवान नाम के प्लेयर है, उन्होंने भी जीता. आज के न्यूज़पेपर में आया है इंडिया श्रेया अग्रवाल एंड जीना खिता फिनिश द 6th and 7th पोजिशन रिस्पेक्टिवली. इंडिविजुअल में 6th और 7th नंबर पे आई, लेकिन टीम में उन दोनों ने भी गोल्ड मेडल जीता. और इंडिया सूर्य प्रताप सिंह एंड शाहू तुसार माने फिनिश इन द 6th and 8th पोजीशन रिस्पेक्टिवली. तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो जूनियर्स हैं, लेकिन आने वाले समय में ये छाएंगे विश्व के ऊपर और भारत का नाम जरूर रोशन करेंगे. अबाउट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF शूटिंग फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? म्यूनिख जर्मनी में. प्रेसिडेंट कौन है? ओलिगारियो वैजकर्स रैना. तो इनके प्रेसिडेंट का नाम भी हमने कर लिया और ISSF का जो एक फुल फॉर्म है वो भी किया. और हेडक्वार्टर्स कहां पे है? म्यूनिख जर्मनी के अंदर. और देखिए अब आपकी फेवरेट चीज आ चुकी है, जमकर शेयर करिए और इस सेशन को एंजॉय करिए. आज हमने 11 टू 12 न्यूज किए, बहुत अच्छी अच्छी खबरें थी. और सिंपल तरीके से आसान शब्दों में, आपके शब्दों में आज हमने कीवर्ड्स पॉइंट्स रिमेंबर छोटे रूप में करने की कोशिश करी, जहां से आपको टू दी पॉइंट चीजें जो है वो जरूर याद रहे. तो कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. और यहां पे सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए. और एग्जैक्टली और आपको बढ़ना है क्वेश्चंस की तरफ. और पहला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑब्जर्व्ड मार्टम डे ऑफ भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु एज यूथ एम्पावरमेंट डे. तो कौन सा राज्य भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के मार्टर्स डे के ऊपर, शहीद दिवस के ऊपर, युवा सशक्तिकरण दिवस मनाता है? युवा सशक्तिकरण दिवस, यूथ एम्पावरमेंट डे. उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब या वेस्ट बंगाल? जल्दी स्टार्ट कर दीजिए यहां पर और बहुत जल्दी जल्दी आपको पार्टिसिपेट करना है और जल्दी से सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है. बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन जो है काबिले तारीफ है. और यहां पर राकेश गुप्ता जी बहुत बढ़िया. और जुगराज संधू का पहला क्वेश्चन आंसर आ चुका है, सी ए बी. अश्विन जी पंजाब बोल रहे हैं. प्रिंस कुमार गिरी, बिल्कुल बहुत बढ़िया. मैं नाम लेने की कोशिश करता हूं और आपके नाम जो है बहुत तेजी तेजी से ऊपर जा रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके नाम लूं एग्जैक्टली और मेरी नजर आपके ऊपर जरूर बनी रहती है. संजू मीना, आशीष गुप्ता, पवित्रा व्यापारी, प्रीति सिंह राजपूत, पूजा यादव, पलक बांसल, यू ऑल आर गोइंग वेरी वेरी गुड. सिकी कुमार, अनिरुद्ध, मोहम्मद शफी डार, रंजन यादव, प्रदीप गुप्ता, सुबोध, बहुत बढ़िया आप सभी का यहां पर पार्टिसिपेशन. हिमबंधु बेहरा, अमरजीत पासवान, समर सिंह, रंजन यादव. तो आपको आंसर दिखा देता हूं, बिल्कुल सही उत्तर सभी स्टूडेंट्स का. फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज पंजाब. पंजाब 23 मार्च 1931 को दी गई फांसी, दी गई शहादत किनके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा, राजगुरु के द्वारा, सुखदेव के द्वारा. और उनके जन्मदिन के, उनके शहीद दिवस के ऊपर पंजाब जो है यूथ एम्पावरमेंट डे जो है वो मनाता है. बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड जैक फ्रूट एज ऑफिशियल फ्रूट ऑफ द स्टेट. किस स्टेट ने, किस राज्य ने कटहल के फल को एकदम स्टेट फ्रूट जो है वो डिक्लेयर किया है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा. और बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का. तन्मय मलिक, मरियम अख्तर, रोमन सिंह, कृष्णादास, पवन दुमे, रंजन यादव, संजू मीना, तन्मय मलिक, देवव्रत, आप सभी का उत्तर सही है. लेकिन अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं. जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने सेशन को ध्यान से सुना होगा तो आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे देंगे. आंसर इज वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू. तो सेकंड का आंसर भी आना शुरू हो गया. पूजा यादव, एनसी खुजूर, अविनाश कुमार, पवन दुबे, प्रेम, बहुत बहुत मीरा बिष्ट, आप लोगों का नाम जो है बहुत जल्दी से ऊपर जा रहा है. बोद्रा वीर सिंह, बहुत बढ़िया आप लोगों का पार्टिसिपेशन देखकर बहुत खुशी होती है. और बिल्कुल सही उत्तर केरला इज द राइट आंसर. सेकंड का राइट आंसर इज सी, दैट इज केरला. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द लॉन्च ऑफ आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम मिशन. द स्कीम विल हैव अ बेनिफिट कवर ऑफ व्हाट अमाउंट. तो आयुष्मान भारत स्कीम, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम मोदी केयर का
क्या अमाउंट है, किस तरह का बेनिफिट देंगे, कितने लाख तक का बेनिफिट देंगे, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर वॉज केरला, आप सभी का उत्तर सही है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज केरला, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज पंजाब। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही उत्तर आना शुरू हो चुका है सभी स्टूडेंट्स का। मुस्तकीम मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्तकीम मलिक जी, और आपका प्रदर्शन काबिले तारीफ और बहुत बढ़िया। यहां पर सभी स्टूडेंट्स का नाम जो है लेने का प्रयास करता जरूर हूं, लेकिन बहुत जल्दी से आपके नाम जाते हैं। बिल्कुल आकाश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बिल्कुल सही उत्तर स्टूडेंट्स का, 5 लाख रुपीज, 5 लाख इज द राइट आंसर, जो बेनिफिट दिया जाएगा आयुष्मान भारत मिशन के अंदर, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएसए के और यूएसए के राष्ट्रपति के न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बनाए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। जिन्होंने 5 लाख आंसर दिया वो सभी सही हैं। रोमन सिंह जी आप बिल्कुल सही हो, क्रिएटिव एरा आप भी सही हो, कंचन बालाजी आपका भी उत्तर सही है, बशीर लोन बहुत बढ़िया, दार हमू बहुत बढ़िया, अरविंद कुमार, मरियम अख्तर, तो अश्विन आनंद जी का भी आंसर आना शुरू हो चुका है, मामुनी खुंगरी का आंसर, प्रेम राज का आंसर, तन्मय मलिक, प्रदीप गुप्ता, पन्ना लाल, पवन दुबे, कैलाश साहू, बहुत बढ़िया उत्तर। मैं सभी के नाम लेने की, मोनालिसा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और बिल्कुल चलिए तो यहां पर आंसर जो है बिल्कुल सही आया है, जॉन आर बोल्टन, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। तो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर मुझे 20-30 क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल सही आ जाते हैं तो मैं आंसर्स दिखाकर अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, समय को जाया नहीं करूंगा। और पांचवें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ए लंडन यूके, बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, सी म्यूनिक जर्मनी, डी पेरिस फ्रांस। जल्दी से आपको आंसर देना है। और बिल्कुल पलक बांसल जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भीतर यही अंतर है कि नेशनल पार्क जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉस के अकॉर्डिंग चलता है, वहां पर कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शंस जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे अगर मान लो किसी का घर उसी जंगल के एरिया में पड़ता है और अगर वो नेशनल पार्क के एरिया में है तो वो वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई या वहां पर घर नहीं बना सकता है, तमाम चीजों की रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर इन रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा कम किया जाता है और थोड़ी छूट दी जाती है। यही फर्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क का एरिया जो है बिल्कुल डिसाइडेड होता है, ये एरिया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया जो है कई बार डिमार्केटेड नहीं होता है प्रॉपरली। और पांचवें क्वेश्चन का आंसर जो है यहां पर बिल्कुल आना शुरू हो चुका है, और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही, म्यूनिक जर्मनी इज द राइट आंसर। वेल, वेरी वेल डन स्टूडेंट्स, और आप क्लैपिंग के हकदार हो तो जरूर मैं क्लैप करूंगा आपके लिए। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज म्यूनिक जर्मनी। सिक्स क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। विच इंडियन कंपनी हैज साइंड अ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन अग्रीमेंट विद HLB पावर रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो कोरिया की कंपनी HLB के साथ किस भारतीय कंपनी ने टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन अग्रीमेंट किया है, एक तकनीकी साझेदारी समझौता जो है किस भारतीय कंपनी ने कोरिया की कंपनी के साथ किया है, एग्जैक्टली आपको आंसर देना है यहां पर। और म्यूनिक जो है बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है म्यूनिक। और विच इंडियन कंपनी हैज साइंड द टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन अग्रीमेंट विद HLB पावर रिपब्लिक ऑफ कोरिया? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी NHPC लिमिटेड, सी NTPC लिमिटेड, और डी BHEL भेल। आपको सही उत्तर देना है, प्लीज आप इसका आंसर दीजिएगा। और एग्जैक्टली यहां पर सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है आना शुरू हो चुका है। इट मींस उन्होंने बहुत ही ध्यान से आज का सेशन प्रॉपरली उन्होंने लिसन किया आज का सेशन, तो बहुत बढ़िया। एंड एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर बाय यू। तो सिक्स क्वेश्चन, तो राइट आंसर फॉर सिक्स क्वेश्चन इज द डी ऑप्शन, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बहुत बढ़िया। सेवन क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। इला विनिल वला रिवन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? इला विनिल वला रिवन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज आर्चरी, तीरंदाजी, बी ऑप्शन इज हॉकी, हॉकी, सी बैडमिंटन, बैडमिंटन, शूटिंग, निशानेबाजी। तो आपको बताना है इला वेनिल होलारिवन कौन से गेम से संबंधित है। देखिए अभी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे, लेकिन जब 2-3 मंथ्स के बाद ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स में आएंगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इस वजह से ये प्रैक्टिस अभी जरूरी है। और बहुत बढ़िया आपका उत्तर जो है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया आपका उत्तर है। तो देखिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन है प्रदीप नायक जी, और आप इंग्लिश पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आपका नाम मैं जरूर लूंगा प्रदीप नायक जी। आप हिंदी को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप सुनिए मत, आप म्यूट पे लगा दीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है, जीके को सीखना, टू लर्न जीके इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर इंग्लिश हिंदी कोई मायने नहीं रखता है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन समझ में आया आंसर करिए। और बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी ने, शूटिंग इज द राइट आंसर, सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज शूटिंग, निशानेबाजी। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ्रॉम विच टेस्ट रेंज इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस को किस टेस्ट रेंज से इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट फ्लाइट किया, तो फ्रॉम विच टेस्ट रेंज इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। चांदीपुर ओडिशा, बलासोर ओडिशा, कोट्टायम केरला या पोखरण राजस्थान। बहुत बढ़िया, चलिए एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। विशाल त्रिहन जी आपका आंसर, विशाल तलन जी आपका आंसर बहुत सही है, और बिल्कुल एट क्वेश्चन का आंसर आना भी शुरू हो चुका है, और बिल्कुल यहां पर आंसर जो है सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर एट क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर एट डी, दैट इज पोखरण राजस्थान। तो कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स चांदीपुर ओडिशा और पोखरण राजस्थान में, लेकिन यहां पर ब्रह्मोस का टेस्ट फाइट कहां से किया गया, पोखरण राजस्थान से। और स्टैटिक जीके के दो क्वेश्चन है, वेयर इज चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो स्टैटिक जीके के ऊपर आ चुके हैं, जहां पर हम आपको ऑप्शंस नहीं दिखाएंगे लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर देना है। तो वेयर इज चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए पोखरण राजस्थान इज द राइट आंसर, लेकिन अब आपको यहां पर बताना है स्टैटिक जीके के अंदर वेयर इज चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। एग्जैक्टली आंसर आने शुरू हो चुके, अविनाश कुमार केरला, रोमन सिंह केरला, देन जुगराज संधू केरला, प्रदीप गुप्ता क्रिएटिव एरा, अश्विन, प्रेम राज मामुनी, सतीश कुमार, पवन दुबे, अरविंद कुमार, सुरेश कुमार, मोनालिसा, सतीश कुमार। बहुत बढ़िया उत्तर आप सभी का आ रहा है यहां पे, वेरी नाइस अटेम्प्ट्स बाय यू, एंड केरला इज द वेरी राइट आंसर। बहुत बढ़िया, यहां पर केरला इज द राइट आंसर, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन केरला। स्टैटिक जीके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। और आज के लाइव सेशन को हम इसी क्वेश्चन के बाद समाप्त करेंगे एक गुड मैसेज के साथ, एक शुभ संदेश के साथ, जहां पर आपका दिन आज मंगलमय हो। और बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है। बिल्कुल मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा में, और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ रहा है यहां पर। एग्जैक्टली अश्विन आनंद जी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, एनडी स्टैंड फॉर न्यू दिल्ली। एग्जैक्टली, और बहुत बढ़िया उत्तर आप सभी का, और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सही उत्तर। तो आज का शो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड डू प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और बिल्कुल देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत ही मैसेज, लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कॉन्स्पायर्स ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। देखिए आप यहां पर अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा यूनिवर्स है, और आप दोस्त बनाइए सभी को, और उसके बाद अपने टारगेट के लिए जुट जाइए, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये कहना था एपीजे अब्दुल कलाम जी का। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, हम जरूर मिलेंगे अगले शो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।